दोस्तों अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसे देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की शुरुआत सन 1921 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुँच रहा था। और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। 29,028 फीट की मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत लोगों का शव तो आज भी बर्फीली चोटियों में दफन है। नेपाल के शेरपा तेन सिंह एवरेस्ट पर चढ़ने का भूस्वार था। स्विट्जरलैंड के एक व्यक्ति के साथ मिलकर शेरपा तेन सिंह ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर वो दोनों असफल हो गए। लेकिन शेरपा तेन सिंह ने हार नहीं मानी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और फिर से वे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने लग गए। बर्फीले रास्ते, माइनस टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट जाने वाली बर्फ की सिलाई, उन सब के बाद वो लोग एक के बाद एक कैंप लगाने के बाद मंजिल के करीब बढ़ने लगे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए उन लोगों ने टाइप लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से तेन सिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़ लिया और उन लोगों ने ऐसा करके अपने प्राण बचा लिए। वो लोग कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते हुए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते चल रहे थे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब तो उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेन सिंह की गति धीमी हो रही थी और उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। और दोस्तों आखिर में तेन सिंह और उनके साथियों का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। नेपाल के शेरपा सिंह और न्यूजीलैंड के हेनरी ने इतिहास अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।